अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम हैं लाहौर में और लाहौर की नर्सरीज़ को जो है वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। फ़ाइनली बहुत अरसे से लाहौर विज़िट करना चाह रहा था, तो आज ये मौका मिला है। और आज मेरे साथ और कोई नहीं, इंस्टाग्राम के हमारे बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स जिनसे मुलाकात हमारी इंस्टाग्राम के थ्रू हुई है, और वो और कोई नहीं है बल्कि हमजा भाई हैं। और आज इनसे भी मुलाकात हुई है। पहले ये मुल्तान आए थे और आज हमें यहाँ पर एक बार फिर से जो है वो मिलने का मौका मिला है। और हम मॉडल टाउन के इस टाइम पर जो है वो नर्सरीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं, और ऑलमोस्ट हम 2 घंटे हमें हो चुके हैं ऑलमोस्ट, और हमें बिल्कुल भी नहीं पता चला कि 2 घंटे हो गए हैं, और हमें अब समझ नहीं आ रहा कि हमने घर जाना है कि नहीं जाना। तो आपको भी दिखाते हैं थोड़ा बहुत कि नर्सरीज़ में क्या चल रहा है और हमने क्या ख़रीदा है, वो भी दिखाते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं और यहाँ पर डिफरेंट बाकिया की जो है वो कुछ हमें डिफरेंट वैरायटी और एग्लोनीमा की जो है वो यहाँ पर वैरायटी देखने को मिल रही है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो है वो वैरायटीज़ यहाँ पर मौजूद हैं। एलोकेशिया के आप प्लांट्स देख सकते हैं यहाँ पे, छोटे बड़े हर तरह के, हर साइज़ में अवेलेबल हैं, डिफरेंट साइज़ के अंदर अवेलेबल हैं। प्राइस की बात करें तो काफ़ी थोड़े से, क्योंकि ज़ाहिर है रेयर प्लांट्स हैं तो प्राइस इनकी काफ़ी ज़्यादा है, बट क्वालिटी और क्वान्टिटी बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर देखें सिंगोनियम, कैलेडियम, स्कैंडेप्सिस, काफ़ी डिफरेंट वेराइटीज़, छोटे प्लांट्स भी मौजूद हैं इसमें। इंस्ट्रोमेंथा ट्राई कलर जो है वो यहाँ पर मौजूद है। कैलेथिया की काफ़ी वेराइटीज़ यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ प्लांट्स थोड़े से ख़राब हैं बट काफ़ी सारे अच्छे प्लांट्स भी मौजूद हैं। एग्लोनीमा वैलेंटाइन जो है वो काफ़ी यहाँ पर ज़बरदस्त और क्वान्टिटी में, और एलोकेशिया भी देख सकते हैं। रेयर प्लांट्स हैं, प्लांट्स जिस तरह से अच्छे और क्वालिटी भी उनकी अच्छी है, प्लांट्स के प्राइस भी जो है उसी तरह से स्टार्ट हो रहे हैं। ऑलमोस्ट 2-2.5 हज़ार रुपये से जो है वो इनकी प्राइस स्टार्ट हो रही है, और इस टाइम पर जो सनलाइट लगने से लीफ ग्लो कर रहे हैं बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर देखें पीकॉक प्लांट, जिसको हम कैलेथिया के डिफरेंट वेराइटीज़ में देखते हैं, यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त और बहुत खूबसूरत पैटर्न इनके जो है वो यहाँ पर लीफ में आप देख सकते हैं। कैलेथिया मैक्योना यहाँ पर काफ़ी मौजूद हैं, और यहाँ पर हमें जो है वो कैलेथिया लेंसीफोलिया भी देखने को मिल रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त। और यहाँ पर ये एक मौजूद है कैलेथिया ऑर्नेटा, जो इस टाइम पर सबसे अट्रैक्ट कर रही है मुझे यहाँ पर, ये जो सनशाइन इन लीव्स के ऊपर आ रही है, और आप जो पैटर्न देख रहे हैं इनका, ऊपर कलर कुछ और है, नीचे कलर कुछ और है। और यहाँ पर अगर मैं आपको लेकर जा सकूँ और दिखाऊँ तो कैलेथिया की कुछ एक और वेराइटी मुझे देखने को मिली है। मेडिलियन यहाँ पर मौजूद है, देख सकते हैं, पीकॉक प्लांट भी इनको कहते हैं, बहुत खूबसूरत और बहुत, और यार इस टाइम पर जो ये सनशाइन इनके ऊपर आ रही है और जो इनका नीचे का जो पर्पल कलर ग्लो कर रहा है ना इस टाइम पर, मैं कहता हूँ क्या ही बात है। यहाँ पर देखें तो ये फिलोडेंड्रोन बर्लमैक्स वेरीगेटेड यहाँ पर मौजूद है, बहुत ज़बरदस्त, 10,000-12,000 इनकी जो है वो प्राइस है। और चेक करें यार कितना ज़बरदस्त बुशी प्लांट जो है वो ये मौजूद है यहाँ पर, और कमाल की यहाँ पर इसके नीचे से रूट्स ग्रो कर रही हैं, बहुत खूबसूरत और बहुत ही हेल्दी प्लांट है। बट अभी क्योंकि बस सर्दियों के अंदर इनकी थोड़ी डोरमेंसी स्टार्ट हो जाती है, यही सबसे जो है वो ज़्यादा चैलेंजिंग टाइम होता है। बट प्लांट्स की यहाँ पर वैरायटी और प्लांट्स की जो क्वालिटी है यहाँ पर आउटस्टैंडिंग है, बहुत ही खूबसूरत। जैसे यहाँ पर आप देखें कैलेथिया की डिफरेंट, यहाँ पर अगेन जो है वो हमारे पास कैलेथिया ऑर्नेटा यहाँ पर मौजूद है, और बहुत ज़बरदस्त बड़े प्लांट्स, बड़े लीव्स, बड़े साइज़ के पॉट्स यहाँ पर मौजूद हैं, डिफरेंट कैलेथिया के, बहुत ज़बरदस्त हैं और उतने ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा हम देखते हैं कैलेथिया की थोड़ी सी जान छोड़ते हैं और थोड़ा सा आगे देखें, वाइन प्लांट, मनी प्लांट की बहुत ज़बरदस्त वाइन यहाँ पर मौजूद हैं, और फिलोडेंड्रोन की काफ़ी वैरायटीज़ यहाँ पर, हैंगिंग प्लांट्स जो है वो बहुत खूबसूरत हैं। इसमें होया की वैरायटीज़ भी यहाँ पर मौजूद हैं। लास्ट ईयर मैंने ये कराची से ऑर्डर किया था, और सर्दियों के अंदर वक्त ना देने से जो है वो ये थोड़े से ख़राब हो गए थे, वक्त नहीं दे पाया था। एग्लोनीमा काफ़ी यहाँ पर मौजूद हैं, और डिफरेंट मॉन्स्टेरा एडेंसोनिया भी यहाँ पर, बहुत अच्छे छोटे प्लांट्स जो है वो मौजूद हैं। ये एक और वेरीगेटेड वाइन प्लांट यहाँ पर मौजूद है, डिफरेंट वेराइटीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। एग्लोनीमा बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही ज़्यादा क्वान्टिटी, ऐसा लग रहा है भाई यहाँ पर सिर्फ एग्लोनीमा की ही जो है वो बात हो रही है। और अच्छा जी, तो यहाँ पर थोड़ा सा देखें तो बहुत ही खूबसूरत रेड वैलेंटाइन जो है वो एग्लोनीमा, कैलेडियम लैंडिनी यहाँ पर मौजूद है, और सबसे खूबसूरत, सबसे बेहतरीन, सबसे अमेजिंग प्लांट मॉन्स्टेरा थाई कॉन्स्टेलेशन यहाँ पर मौजूद है भैया, 25-25, 30-30 हज़ार के जो है वो पौधे यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, अगेन कैलेथिया यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त वैराइटीज़ मौजूद हैं कैलेथिया की, और यहाँ पर जो है वो
केलेथिया सिटोसा मौजूद है। बहुत बड़े प्लांट हैं और बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत हेल्दी प्लांट्स जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। 10-10, 12-12 हज़ार के तो भैया ये प्लांट्स आराम से 15,000-12,000 कुछ भी इनकी अमाउंट जो है वो यहाँ पर देखा जाए तो प्राइस नहीं है, जो इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी है। फिलोडेंड्रॉन यहाँ पर मौजूद है और बहुत ही हेल्दी और बहुत ही खूबसूरत जो है वो ऑरेंज कलर के इनके जो है वो लीव्स यहाँ पर मौजूद हैं। कैलेडियम के कुछ यहाँ पर हमें प्लांट्स देखने को मिल रहे हैं। होया अवेलेबल है यहाँ पर हैंगिंग प्लांट्स में। अगेन डिफन की यहाँ पर एक वैरायटी है, डिफरेंट वैरायटी मौजूद है। बहुत खूबसूरत और अट्रैक्टिव लीव्स हैं इनमें। इंडोर प्लांट्स के अंदर बहुत ज़्यादा खूबसूरती इन्हीं लीव्स के पैटर्न की होती है। एयर प्लांट्स यहाँ पर देखने को मिल रहा है और जितना खूबसूरत इनका लीव का पैटर्न होता है। बर्ड नेस्ट फर्न भी यहाँ पर मौजूद है और बहुत हेल्दी और काफ़ी बड़े साइज़ के अंदर मौजूद है। बहुत ज़बरदस्त वैरायटीज़ यहाँ पर मौजूद हैं भैया। मतलब इस टाइम पर ना दिमाग फुल टाइम घूम चुका है। और ये देखें, ये वाला प्लांट आप चेक करें, ऑर्किड। इसकी रूट्स और फ्लावर्स की जो बड्स, बहुत ही खूबसूरत। और इस टाइम पर सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे अमेजिंग और अट्रैक्ट कर रही है वो जो सनशाइन इन प्लांट्स के ऊपर आ रही है और ये जो येलो लाइट है, इट्स अमेजिंग। मतलब कमाल की जो प्लांट है वो तो खूबसूरत है ही, और जो ये सनलाइट आकर इनके लीव्स पर लग रही है और इनका जो ग्लो इफेक्ट आ रहा है वो और इनको ज़्यादा खूबसूरत बना रहा है। देखें यहाँ पर ये सारे के सारे किस तरह से ग्लो कर रहे हैं। एग्लोनीमा की एक फसल जो है वो यहाँ पर मौजूद है। 2500, 3000, 5000 इस तरह के इनके प्राइस यहाँ पर मौजूद है। और जो इस टाइम पर लीफ इनके ग्लो कर रहे हैं सनशाइन से, वो कमाल है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त। यहाँ कुछ और बैम्बू स्टिक वगैरह और डिफरेंट प्लांट्स देखने को मिल रहे हैं। सिंगोनियम जो है वो यहाँ पर पिंक स्पॉट मौजूद है, ये भी 2000-2500 की रेंज के अंदर मौजूद है। एलोकेशिया अगेन यहाँ पर एक डिफरेंट वेराइटी है, यहाँ पर 3-4 हज़ार रुपये का ये मिल रहा है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव। और अगेन यहाँ पर जिसको भैया पैसे ज़ाया करने हैं अपने यहाँ के, यहाँ से कैलेथिया जो है वो पकड़ लें। बहुत ही अट्रैक्टिव प्लांट्स हैं और ये आप देख सकते हैं कितने हेल्दी, छोटे साइज़ में भी मौजूद हैं। बहुत खूबसूरत हैं यार, मतलब अमेजिंग। रेयर प्लांट की वैरायटीज़ के अंदर यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत है ये। एक्चुअली मैं कैक्टस लेने के लिए आया था हाजी इमदाद यहाँ पर, जो उनकी वैरायटी नर्सरी मौजूद है, उनके साथ ये नर्सरी मौजूद है। और यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेंगे सारे प्लांट्स। ब्रोमिलियड्स के यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स हैं, छोटे वाला 1500, बड़े वाला 3000-2500 इस तरह की रेंज के अंदर ये मौजूद हैं। तो ये सारे प्लांट्स यहाँ पर मौजूद हैं। अब क्या करें, लेकर जाना है सबको। सो फाइनली वी आर हेयर इन मुल्तान अगेन, और ज़्यादा कुछ मैं ख़रीद नहीं सका, बट ये दो फिश बोन कैक्टस मेरी काफ़ी टाइम से जो है वो विश लिस्ट के अंदर मौजूद थे और मुझे ये बहुत इनका ज़बरदस्त जो है वो ये साइज़ देखने को मिला है। और जैसे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त प्राइस में और बहुत ही अच्छा इसका साइज़ मुझे जो है वो देखने को मिला। मैंने भाई बगैर कुछ और सोचे जो है वो ये इसको फ़ौरन से जो है वो ख़रीद दिया। 2-3 प्लांट्स इसके मैंने परचेज़ कर लिए थे और बाकी कुछ ज़्यादा मैं ख़रीद नहीं सका क्योंकि सर्दियां बहुत ज़्यादा हैं और प्लांट्स भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। एक्सपेंसिव अगर हो भी तो कोई मसला नहीं है, बट जब मौसम ठीक हो और उनको ग्रो कर सकें। बट आजकल आपको पता है वेदर कंडीशन किस तरह से चल रही है, बहुत ज़्यादा सर्दी होने की वजह से उनको, कैलेथिया को स्पेशली कंट्रोल करना भैया, ग्रो करना बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पॉसिबल होता है। तो अभी जस्ट इन्हीं से जो है वो अब काम चलाएंगे और इंशाल्लाह जैसे ही टाइम थोड़ा सा बेहतर होता है, मौसम बेहतर होता है, तो फिर जाके मज़ीद जो है वो हम वहाँ से परचेज़ करेंगे और बहुत सारे रेयर वेराइटीज़ इंशाल्लाह हम ख़रीद कर लाएंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।